हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा एलेक्से 4500 के अंदर के पार्ट्स के बारे में और एलेक्से 4500 का अंदर का डिजाइन आप शॉर्ट में देखेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एलेक्से 4500 और टीएक्से 3502 इन दोनों में अंतर क्या है, जबकि इन दोनों का प्राइस सेम है, तो इस मैटर में भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं एलेक्से 4500 के अंदर का पार्ट्स। तो इस प्रकार से है अंदर का पार्ट्स, ये आप देख सकते हैं एलेक्से 4500 और सामने ही आप इसका मॉडल नंबर देख सकते हो। एम्पलीफायर के अंदर का पार्ट्स ये आप देख सकते हैं और यहाँ पे इसका जो है लिमिटर पीसीबी लगा होता है। यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 14 ट्रांजिस्टर ऊपर में होता है और 14 ट्रांजिस्टर नीचे होता है। 5200/1940 के इसमें लगे होते हैं। इस प्रकार से इसमें 28 ट्रांजिस्टर होता है, तो आप समझ ही सकते हैं कितना पावरफुल यहाँ पे एम्पलीफायर हमें देखने को मिलता है। लेकिन एलेक्से सीरीज है और कंपनी इसे 2 ओम्स पे स्टेबल नहीं कहती है, इसलिए आप इसे 2 ओम्स पे मत चलाइए। और यहाँ पे बात कर लेते हैं एम्पलीफायर्स के बारे में कि इसमें हम कितने कितने वाट का स्पीकर सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको इसके टेक्निकल डिटेल्स देखना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हो, ये इसका टेक्निकल डिटेल्स है। एलेक्से 4500 8 ओम्स पे 1000 वाट, 4 ओम्स पे 1550 वाट, 2 ओम्स पे 2250 वाट, इस प्रकार से इसका आउटपुट है। काफी पावरफुल एम्पलीफायर है। अब आइए बात करते हैं कि इसमें कितने वाट के स्पीकर सिस्टम का यूज हम कर सकते हैं। अगर आप इसमें केवल 2 बेस चलाना चाहते हैं तो आप इसमें 800 वाट से लेकर के 1000 वाट के 2 बेस यूज कर सकते हो पर चैनल, एक बेस काफी अच्छा क्वालिटी मिलेगा। और अगर आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वाट का चलाना चाहते हैं तो आप 1200 वाट के भी 2 बेस का यूज कर सकते हो पर चैनल, एक बेस अच्छा क्वालिटी आपको वहां पे देखने को मिलेगा। और अगर 4 इंची वाइस कोइल है तो आप इसमें 1200 वाट के कंटिन्यूसली चला सकते हो, जिसमें आपको फुल क्वालिटी मिलेगा। और अगर आप इसमें 4 बेस चलाना चाहते हैं तो आप इसमें 650 वाट के 4 बेस यूज कर सकते हो पर चैनल, 2 बेस लगाना है। और अगर आप थोड़ा सा ज्यादा वाट का बेस यूज करना चाहते हैं तो आप इसमें 800 वाट के भी 4 बेस के यूज कर सकते हो, उसमें भी आपको पर चैनल 2 बेस यूज करना होगा, काफी अच्छा क्वालिटी मिलेगा। और अगर आप इससे भी ज्यादा वाट का बेस इसमें चलाना चाहते हैं तो 1000 वाट के भी 4 बेस का यूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, बेस का वॉइस कॉइल जो है 4 इंच होना चाहिए। 4 इंच वॉइस कॉइल वाला अगर 1000 वाट का बेस है तो आप इसमें 4 बेस चला सकते हो, काफी अच्छा साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर आप इसमें टॉप चलाना चाहते हैं, अगर आप इसमें 2 टॉप चलाना चाहते हैं तो आप इसमें 1200 वाट से लेकर के 1500 वाट के 2 टॉप का यूज कर सकते हो, काफी अच्छा क्वालिटी आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगा। और अगर आप इसमें 4 टॉप चलाना चाहते हैं तो 4 टॉप के लिए मैं रिकमेंड करता हूं आप इसमें इसके 4 ओम्स पे जितना आउटपुट है उतना ही लोड इसके 2 ओम्स पे दीजिए, ताकि एम्पलीफायर ज़्यादा हीट ना हो और एम्पलीफायर लॉन्ग टाइम तक चल सके। वैसे कंपनी इसे 2 ओम्स पे रिकमेंड नहीं करती है, लेकिन अगर आप चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं। और सिंपल तरीका है, किसी भी एम्पलीफायर को अगर आप 2 ओम्स पे चलाना चाहते हैं तो उस एम्पलीफायर को उतना ही लोड दीजिए जितना ये 4 ओम्स पे हैंडल कर सकता है। 4 ओम्स पे जितना पावर हैंडल कर सकता है उतना ही पावर आप इसके 2 ओम्स पे चलाएंगे तो एम्पलीफायर कभी खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे आप 700 वाट से लेकर के 800 वाट के 4 टॉप का यूज कर सकते हो, फुल क्वालिटी मिलेगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। दोस्तों, आप इस प्रकार से स्पीकर सिस्टम का यूज कर सकते हो, बिंदास चलाइए, काफी अच्छा क्वालिटी आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर है। अब यही बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम इसके बारे में कि एलेक्से 4500 और टीएक्से 3502 इन दोनों का प्राइस सेम है, तो आखिर इसमें डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, डीएक्से 3502 एक बहुत ही पावरफुल एम्पलीफायर है जो कि स्टेजक्राफ्ट सीरीज डीएक्से 3502 इसका मॉडल नंबर है। और ये एम्पलीफायर 3500 वाट का है और इसे आप 2 ओम्स पे स्टेबल भी मान सकते हो। एलेक्से 4500 यहाँ पे 2 ओम्स पे चलता तो है लेकिन फुल लोड पे आप इसे नहीं चला सकते, लेकिन डीएक्से 3502 इसे आप फुल लोड पे भी 2 ओम्स पे चला सकते हैं, जैसा कि मैंने इसके साथ एक्सपीरियंस किया है। तो यहाँ पे आप इसका इनर पार्ट्स देख सकते हैं, इसमें भी जो है 28 ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा। बस अंतर यह है कि इस एम्पलीफायर में लिमिटर पीसीबी नहीं होता है। और इस एम्पलीफायर की एक खासियत और है कि इसमें आपका स्टीरियो का जो सर्किट है या फिर मोनो का सर्किट है या ब्रिज का सर्किट है, तीनों अलग अलग होते हैं। और यहाँ पे इसका क्लिप और प्रोटेक्टर या टेम्परेचर का जो सर्किट होता है सब अलग अलग होता है, इसलिए ये एम्पलीफायर बहुत ही स्ट्रांग होता है। और यही मेन रीजन है कि इस एम्पलीफायर का प्राइस 3500 वाट होते हुए भी एलेक्से 4500 के जितना प्राइस है। यहाँ पे एलेक्से 4500 में भी जो है 28 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और डीएक्से 3502 इसमें भी 28 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। इसमें भी आपका 5200/1940 का ट्रांजिस्टर का सेट लगा होता है। यही मेरा रीजन है कि 3502 भी एलेक्से 4500 के जितना लोड पे चल सकता है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे।
तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि एम्पलीफायर का अंदर के पार्ट्स किस प्रकार से लगा हुआ है और इन दोनों एम्पलीफायर में कितने ट्रांजिस्टर या मॉस्फेट लगे हुए हैं। और साथ ही साथ हमने इस वीडियो में बात किया कि LX45 और DX35 डायोडों में क्या अंतर होता है, तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे दोनों एम्पलीफायर बेस्ट हैं, आप इनमें से कोई सा भी एम्पलीफायर ले सकते हो। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें आपने एम्पलीफायर के अंदर के पार्ट्स और इस एम्पलीफायर के लिए बेस्ट स्पीकर सिस्टम कौन कौन से हैं इसके बारे में आपने जाना। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। और जाने से पहले एक बार इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे LX45 इस वाले एम्पलीफायर का प्राइस अप्रॉक्स 43,500 रुपए है मार्केट में, और DX35 इस वाले एम्पलीफायर का भी प्राइस अप्रॉक्स 43,500 रुपए है। आउजर डीलर से ही लेना ताकि आपको सही प्राइस मिल सके, और प्राइस जो है मार्केट में थोड़ा बहुत अप डाउन होते रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।